हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग एक नए इंग्लिश लेटर को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स आइए हम इस लेटर को देखते हैं। देखिए लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू पे प्रॉपर अटेंशन ऑन हिज स्टडीज। कह रहे कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, एडवाइसिंग हिम, उसे सलाह देते हुए, टू पे प्रॉपर अटेंशन, कि वह जो है प्रॉपर अटेंशन अर्थात उचित ध्यान दे ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर, स्टडी मतलब पढ़ाई। कह रहा है कि अपने छोटे भाई को सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए कि वह अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान दे। तो आई फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अब जो लेटर लिखेगा उसका एड्रेस रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 14 मयूर विहार मेरठ अक्टूबर, अब यहाँ पर डेट लिखा है, किस डेट को लिखा गया, अक्टूबर 4, 2017। तो यहाँ पर जो है डेट लिखा गया है। अब ये जो है आप जो लिखेंगे तो उसके अनुसार आप अपना चेंज कर देंगे, जिस डेट को लिखेंगे डेट चेंज कर देंगे और ये अपना पता चेंज कर देंगे। अब देखिए अपने छोटे भाई को लिखना है तो यहाँ पर माई डियर अजय से, या उसका जो नाम रहेगा नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे, डियर यहाँ पर जो है अजय है या गोविंद है, श्याम है, जो कुछ भी है, और माय डियर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि छोटा भाई है तो उसके लिए माय डियर का प्रयोग करेंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस क्रम लिखा है उसी क्रम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है तो जब अब स्टार्ट कर माय डियर अजय लिख करके या माय डियर गोविंद या श्याम या रोहित लिख करके, तो जब अब भी लिखेंगे तो हम यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा छोड़ करके ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए लिखा है कि माय डियर अजय, माय जॉय न्यू नो बाउंस। कह रहा कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जॉय मीन्स खुशी, ध्यान रखिए इस वाक्य को, जॉय न्यू नो बाउंस, इसका पूरा मतलब है कि माय जॉय न्यू नो बाउंस, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा या मेरे खुशी की सीमा नहीं रही। व्हेन जब आई रिसीव्ड योर लेटर, जब मुझे तुम्हारा लेटर प्राप्त हुआ, जब मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आई हैव ए सजेशन टू मेक, कह रहे हैं कि मेरे पास एक सुझाव है, टू मेक, कह रहे मतलब देने के लिए एक सुझाव है। आई हैव ए सजेशन टू मेक, मेरे लिए उसका कहना मतलब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सुझाव है, या मेरा तुम्हें एक सुझाव है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड दैट इज, और वह यह है कि यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, कि तुम्हें जो है अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, अर्थात अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करना चाहिए। इसमें जो है बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कराया कि मुझे तुम्हें देने के लिए एक सुझाव है कि तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करना चाहिए, इम्प्रूविंग सुधार। योर लेटर वॉज इनक्लोज विथ पापास, कह रहा है कि तुम्हारा लेटर पापा के लेटर के साथ संलग्न था। उसका कहने का मतलब है कि तुम्हारा लेटर जो है पापा के लेटर के साथ लगा हुआ था, या उसी में था, या उसी के साथ था। आई वॉज सॉरी टू लर्न, मुझे यह जानकर दुख हुआ, फ्रॉम इस लेटर, उनके पत्र से, मुझे उनके पत्र से यह जानकर दुख हुआ, दैट कि यू आर नॉट डूइंग वेल, कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो इन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। उनके लेटर से मुझे जानकर यह दुख हुआ कि तुम अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। यू वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। एंड मनी, और पैसे वेस्ट कर रहे हो इन फ्लाइंग काइट्स, पतंगे उड़ाने में। कह रहा है कि तुम अपना समय और पैसा जो है पतंगे उड़ाने में व्यर्थ गवा रहे हो। इट इज़ वेरी बैड, यह बहुत बुरा है, यह बहुत खराब है, या यह बहुत बुरी बात है, ऐसे भी कह सकते हैं। द एग्जामिनेशन आर क्लोज एट हैंड, क्लोज एट हैंड का मतलब काफ़ी नज़दीक होना, क्लोज एट हैंड मतलब काफ़ी नज़दीक होना। देखिए द एग्जामिनेशन आर क्लोज एट हैंड, कह रहा है कि परीक्षाएँ जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं। यू शुड गेट थ्रू, कह रहा है कि यू शुड गेट थ्रू विथ गुड मार्क्स, गेट थ्रू का मतलब पास होना, सफल होना। यू शुड गेट थ्रू विथ गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास होना है, मतलब अच्छे अंकों से तुम्हें पास होना है। सो वर्क हार्ड, कह रहा है इस प्रकार वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन। कह रहा है कि यू शुड गेट थ्रू विद गुड मार्क्स, में अच्छे अंकों से प्राप्त हो, तुम्हें अच्छे अंकों से पास होना है। सो इस प्रकार वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन
में सुधार करने के लिए. आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है दैट कि यू कैन, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन, कह रहा है मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो, मतलब अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, एंड विल डू इट, और तुम इसे करोगे. सो दैट, ताकि द होल फैमिली, पूरा परिवार इज प्राउड ऑफ यू, ताकि तुम्हारा, ताकि पूरा परिवार तुम पर गर्वित हो सके, या ताकि तुम पूरा परिवार जो है तुम पर गर्व महसूस कर सके. अब नीचे देखिए, यहाँ हो गया, फिर देखिए अब यहाँ से नहीं, अब थोड़ा सा छोड़ करके लिखेंगे. विथ लव एंड बेस्ट विशेस, कह रहा है कि प्रेम और सर्वश्रेष्ठ मने कामनाओं के साथ, कह रहा है कि विथ लव एंड बेस्ट विशेस, प्रेम और सर्वश्रेष्ठ कामनाओं के साथ, उसका कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें अपना प्रेम देता हूँ और तुम्हारे तुम्हारे लिए जो है बेस्ट विश करता हूँ, भगवान से मनोकामना करता हूँ. और फिर यहाँ पर योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्रिय भाई मयंक, अब ये जो भी नाम रहेगा आप अपना नाम जो रहेगा वहाँ पर दे दीजिएगा. और ये यहाँ पर इसको जो है योर लविंग ब्रदर जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे योर लविंग ब्रदर मयंक इधर भी लिख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो है एक लेटर का मॉडल कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा. एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पीछे में आएगा तो कैसे लिखना है. तो मैं डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट सब्जेक्ट पर जो भी लेटर या एप्लीकेशन रहेगा क्रमशः मैं अपलोड करता रहूँगा. तो फ्रेंड्स, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर हाई स्कूल इंटरमीडिएट नामक ये प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप देख लीजिएगा. और उसमें मैं क्रमशः जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर मैं लेटर एप्लीकेशन अपलोड करूँगा. तो फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.